नायक है जिन्होंने सामरिक रूप से वतन परस्ती का ऐलान किया और आजादी के संघर्ष में अपनी बराबरी की हिस्सेदारी दर्ज की। जैसा कि आप सब जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर समूचा देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के मौके पर इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम को मूल करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी से अनुप्रेरित होकर मध्य प्रदेश में भी बहुआयामी कार्यक्रम की रचना की है और आज उसी कड़ी में जनजाति गौरव संवाद संभव हो रहा है। हम इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले में आगे बढ़ाए आदरणीय श्री अशोक चरण जी और आदरणीय श्री संदीप गुलस्ते जी माननीय मुख्यमंत्री जी का शाल तुलसी का महात्मा और प्रतीक चिन्ह में माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सदाशयता यही स्मृति जिस तरह से हर बार वे प्रदेश के जननायक होने के नाते व्यक्त करते हैं उसी का परिपालन हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वे आज चूंकि समारोह के मेजबान हैं इसलिए डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी आदरणीय श्री कान सिंह ज्यादा जी डॉक्टर महेंद्र चौहान जी डॉक्टर दीपमाला रावत सुश्री रोशनी नाम और आदरणीय श्री अशोक शरण जी का तुलसी का पौधा और शॉल पहनकर अभिनंदन कर रहे हैं। अभी उठे हैं तनिक चले हैं कल लौटेंगे जरूर से कदम हमारे दूर नहीं है कुछ शासन मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास के रास्ते पर समृद्धि के रास्ते पर हौसलों और संकल्पों का प्रसार करते हुए सबको साथ लेकर सबके विकास की आकांक्षा के साथ लगातार प्रतिभा के लिए।